हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नए ब्लॉग पे। दो दिन हुए मैं ब्लॉग बना नहीं पा रही हूँ। आप लोग कम्युनिटी पोस्ट में देखे होंगे, लेमो का हालत जो है ठीक नहीं था। अभी पहले से थोड़ा बेहतर हो गया, अभी ये चल रहा है। डॉक्टर ने बोला है कि चलने को, और मैंने नीचे से ये गर्म पानी ला दिया। ये गर्म पानी पीने से थोड़ा पेट को आराम मिलती है। अभी फिर से ये दवाई लानी होगी मुझे। यहाँ पे रूम पे अकेला रहो, दीदी गई है मार्केट में। चलो रहो, हाँ अभी आ जाऊँगी। मैं जाती हूँ नीचे फार्मेसी में। ला दिया है ये, पेट में गैस हो गया, इसके वजह से तकलीफ़ें हो रही है। अभी ये लगाने से थोड़ा ठीक हो जाएगी। पूरा इधर उधर भागदौड़ करना थक गई, और इसका तो अभी लाल चाय बना के लाई हूँ, पी रहा है। डॉक्टर ने बोला है कि लाल चाय और ये ब्रिटानिया का बिस्कुट जो है डाइजेस्ट होता है ना, ये बिस्कुट खा सकता है। और इसका जो है कपड़ा अभी आज धुलाऊँगी, इसको और नहलाना पड़ेगा। पहले नहीं नहाया था कि इसके वजह से इसका थोड़ा थोड़ा बुखार आता था। और दीदी बाजार गए थे दोस्तों, यहाँ देखिए दीदी ने ये क्या लाई है। और यहाँ पर है इमली, यहाँ पर मैंने निकाल भी दिया है। रसबेरी, हाँ रसबेरी बोलते हैं, मुझे पता भी नहीं हम लोग का लैंग्वेज में कहते हैं ओपल ओपल। मैंने लेमो को भी नहला दिया, ये देखिए अभी थोड़ा फ्रेश महसूस कर रहा हूँ। फ्रेश, वाह हीरो लग रहा है। यहाँ से इसमें पहले ये दवा दे दिया, अभी ये दो मिनट के बाद फिर इसे इसको तो खा लिया ना, ऐसे लाइन करके रख दूँ, भूल जाती हूँ पहले कौन सा है। ये गैस का दवाई होगा ना? गैस का ही होगा। बाल देखो पूरा लंबा। अरे गिर गया, गिर गया, नया करके खोलो, नहीं होगा वो। लेमो को भी दवाई दे दिया है, अभी जो है मैं खाना खाऊंगी। सुबह सिर्फ वो कल का खाना खाए थे गरम करके। और यहाँ पे दीदी ने ला दिया है चावल, और यहाँ पे क्या क्या सब्जी है, पीदल हटफन, और यहाँ पे एलपेन अपल मिक्स है। यहाँ पे अभी खा लेती हूँ, बहुत भूख लग रही है। आज सिर्फ ये लाल चाय और एक बिस्किट खाया है, आराम करो अभी। यहाँ पे मैं खाना खा रही हूँ दोस्तों, ये सब्जी खा के मैं मर जाऊँगी, इतने तेजले से पूरा खाने का ये दिल नहीं है। पता नहीं ये क्या चटनी है, इसमें एलपेन एप्पल है और क्या क्या है। और ये जो एक अलग ही पत्ता है, इसका खुशबू पाने से मेरा माथा चक्कर देता है, फिर भी खाना पड़ रही है। और दीदी भी आ गई है, दीदी फार्मेसी गई थी लम्बो के लिए, जो दवाई लिख दिया है डॉक्टर ने वो लाने के लिए। लम्बो बाहर जाएगा धूप धूप सेकने, चलो चलो नीचे जाएगा धूप सेकने के लिए। और जो ये गीला कपड़े है अभी इसे धूप में सुखानी होगी। पकड़ो ना हाथ पे, कंधे पे हाथ दे दो। ओ चलो। और यहाँ बाहर देखिए नजारा, इतनी तेज धूप। ऐसा करो यहाँ पे रुको, हाँ मैं ये कपड़े को पीछे साइड में दे के आती हूँ। इस साइड में है, मैंने ऑलरेडी मेरा कपड़े दे दिया है पीछे साइड में। अभी बिल्कुल हॉस्पिटल के सामने, मैं यहाँ उसका इंतजार कर रही हूँ बैठ के। सेक लिया है दोस्तों, अभी जा रहे हैं हम लोग का केबिन में। पहले जो हम लोग आए थे फर्स्ट रूम मिला था उसमें केबिन नंबर 2, वहाँ पे रेट थोड़ा कम था। अभी जो इस रूम पे रह रहे हैं वो थोड़ा दाम है, केबिन नंबर 9 पे। उधर है हम लोग का लास्ट में, हाँ लास्ट में है। और इसको तो दुख अच्छे से खिला दिया।
अभी यहाँ पे देखो दोस्तों, इसका बाल मैंने इसे बांध दिया है, घर जाके ना पूरा तकला कर देगा हम इसको। तकला होना पड़ेगा अभी मुझे, अभी जितने लोग भी कमेंट करते हैं बाल काटो तो रूपम भाई, अभी पूरा तकला होने वाला हूँ। वैसे भी गर्मियों का मौसम है लेकिन देखो कितना लंबा हो गया। बहुत धूप लगेगा यार। बेटो आराम से। थोड़ा मूवमेंट करने बोला है डॉक्टर ने। दीदी को देखो, पूरा नीचे में सो रही है, और लम्बो तो यहाँ पे सोता है, मैं वहाँ पे। और जो यहाँ पे टीवी देख रहे हो ना दोस्तों, टीवी का वजह से ये रूम का भाड़ा महंगा है। हाँ कोई देखता भी नहीं है। कहाँ देखेगा पेशेंट का सामने, ये बीमारी का जला ही भरा है, कौन टीवी देखेगा, माइक्रोमैक्स टीवी। अभी बाहर बालकनी में आए हैं, ये तो यहाँ पे चल रहा है, अभी थोड़ा रेस्ट कर। हाथ दिखाओ, ये सुई खुलने से अच्छा हुआ, दर्द हो बाहर का हवा थोड़ा अच्छा है। यहाँ पे है एक मेन रोड, इस साइड से हम लोग निकल जाते हैं, वहाँ पे एक पानीपुरी वाला है। अभी मैं नीचे में आई हूँ दोस्तों, उधर है एक रोड पे एक पानीपुरी भैया है, वहाँ से पानीपुरी लेके आएंगे। कहाँ गया ये भैया, यहाँ से लेके जाऊंगी पानी पूरी, यहाँ से पानी पूरी 20 का ले लूंगी अभी। और मिक्सचर भी है क्या दीजिए, पानी पूरी 20 का दे दो, 20 का दीजिए। आ गया दीदी, उठो पानी पूरी खाएगा, पानी पूरी। अभी देखो दीदी भी खा रही है, बहुत तीखा है पानी। और इसका क्या होगा, क्या होगा दोस्तों। अभी मैं आई हूँ दूसरे, ये दीदी का घर में, दीदी एक रेंट पे रहती है, ये है हम लोग का पड़ोसी दीदी। यहाँ पे मैं आज खाना पकाऊंगी, और दीदी दोनों दीदियों ने बाजार गए थे, ये हम लोग का के ये लैंग्वेज में कहते हैं बोरोना साग, ये और ये बैंगन मैं मिक्स करके बनाऊंगी। अभी जो है दोस्तों, मैं यहाँ पे पत्ते को ये छोटे छोटे यहाँ पे दिख रहे हो, खाते हैं, बहुत खाते हैं। अभी मैं इसे तोड़ तोड़ के रख दूंगी, इससे बहुत ही खुशबूदार होती है, देखो खाते देख रहे हो ना, ये देखो पत्ती की, यहाँ पे भी बहुत सारे खाते हैं दोस्तों। यहाँ पे मैंने बैंगन भी रेडी कर दिया, और यहाँ पे जो मेजिंगा पत्ता है इसे मैंने धुला के भी रख दिया है। अभी मैं जाऊंगी। हाँ दीदी, ओ और यहाँ पे दीदी को देखिए, ये है हम लोग का पड़ोसी दीदी। दीदी जो है चावल को सफा कर रही है, यहाँ पे मिलके खाना सब्जी बनाऊंगी। हाँ आज थोड़ा जल्दी बनाएंगे, देखो बाहर में देखो पूरा अंधेरा भी नहीं हुआ है। आज नाइट ड्यूटी है। अभी जो है मैं पत्ते लेके आऊंगी बाहर से दोस्तों, अभी जो है मैं वहाँ से पत्ते लेके आऊंगी, ये जो फूल के पत्ते हैं ना, आज मैं सुकन मछली जो है वो पत्ते के साथ बनाऊंगी। बहुत दिन हो गया, खाने का मन हो रहा है, यहाँ से लेके जाऊंगी। मैंने पूछ भी लिया है ले सकता है कि नहीं, अभी ऑर्डर दिया है, यहाँ से लेके जाऊंगी। यहाँ पे मैंने 4 पत्ते लेके आई हूँ दोस्तों, अभी जो है इसे सफा करूंगी। और यहाँ पे दीदी जो है पूरा नए नए कुकर पे चावल पका रहे हैं दीदी। यहाँ पे मैंने ये ड्राई फिश को भी भिगो के रख दिया है, अभी जो है ये ग्रीन चिल्ली को मैं कूदूंगी। बहुत ही मुश्किल है, यहाँ पे छोटा है ना और पतला भी है, ये बारी होने से ठीक है, मुंह में नहीं आ जाता है। सूखा मछली को भी यहाँ दे दिया है, एक ही चूल्हा है, बहुत टाइम लगेगा। लास्ट में ये बैंगन और ये जो मेजिंगा पत्ता है इसे दे दूंगी, और यहाँ पे दीदी के लिए बिंदी, बिंदी सूखा सूखा करके बना दूंगी बिंदी सब्जी। यहाँ देखिए दोस्तों, मैंने जो मछली पकाई थी ना, ये देखिए, आप लोग तो मेरा पुराना ब्लॉग में देखे होंगे मैंने क्या क्या इसमें डाला है, फिर से बता देती हूँ। इसमें डाली हूँ मैं अनियन और लाल मिर्च और नमक हल्दी, थोड़ा सा ऑयल बस। और यहाँ पे मैंने बैंगन का सब्जी बनाने के लिए यहाँ पे सब दे दिया है। यहाँ पे जो हम लोग ड्राई फिश खाता है वो अलग है, और ये अलग है,
ये है बमला मास कहते हैं, पता नहीं हम लोग का लैंग्वेज में ये कहते हैं लोते मास। इसे यहाँ पे मैंने लोते मास दे दिया है और नमक और हाँ और यहाँ पे बैंगन और ये लास्ट में दे दूंगी ये जो पत्ते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों नए कुकर का चावल बिल्कुल बढ़िया हुआ है और यहाँ पे दीदी जो है आज बाजार से मसाला वगैरह लेके आई थी। यहाँ दीदी ने हाँ यहाँ गरम किया है लाल मिर्च को और ये मसाले को भी गरम किया है। अभी इसको पाउडर बनाना मसाला का पाउडर और मेरे हस्बैंड के लिए मैंने यहाँ पे लाल चाय गरम कर दिया है। यहाँ पे मैंने तीनों सब्जी पैकिंग कर दिया है और यहाँ पे चावल अभी जो है मैं लेके जाऊंगी, इससे लेके जाऊंगी। देखो बारी है, ठीक है जाती हूँ, गुड नाइट। आज दीदी का नाइट ड्यूटी है। खाना भी निकाल दिया है दीदी ने, अभी जो है खाना खाएंगे। बहुत भूख लग रही है। यहाँ पे है ये लेडी फिंगर बिंदी की सब्जी और यहाँ पे है बैंगन और जो मेजिंगा पत्ता बोलते हैं उसी का सब्जी और यहाँ पे है सूखा मछली पत्ते के साथ। दीदी और मैंने खाना भी खा लिया है दोस्तों और चावल जो है और बच गया यहाँ पे, रात को भूख लगने से और खाएंगे। और यहाँ पे लम्बों के लिए लाल चाय बना के रखी हूँ मैं और जब भी इसको पीने का मन होगा मैं यहाँ गर्म कर दूँगी। यहाँ पे ये भी लेके आई हूँ, यहाँ इजी हो जाएगी गर्म करने में। इसमें पूरा सब कुछ दे के लाई हूँ और ये ग्लास भी दीदी ने ऑलरेडी यहाँ पर रख दिया है। अभी वीडियो एडिटिंग करूँगी फिर उसके बाद कराते मारूँगी। क्या हुआ अभी भी? तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। हॉस्पिटल के अंदर में है, अच्छा वीडियो बना भी नहीं सक रही हूँ। कल लम्बो का तबीयत ठीक होने से हम लोग घर जाएंगे, फिर वहाँ जाके अच्छे अच्छे ब्लॉग दिखाऊंगे आप लोगों को। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, वीडियो को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ, बाय बाय।